पीएम मोदी ने हैदराबाद को क्यों कहा भाग्यनगर? क्या बदल जाएगा शहर का नाम? अगर भाग्यनगर था तो इसका नाम हैदराबाद कैसे पड़ गया? क्या है हैदराबाद की कहानी? हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे, बैठक को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकार दिया। जैसे ही पीएम भाग्यनगर बोलते हैं, वैसे ही बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठते हैं। हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर होने वाला है। पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत दिया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जा सकता है। हैदराबाद नाम हैदराबाद कैसे पड़ा, इसको लेकर इतिहास क्या कहता है, वो आगे आपको बताएंगे। मगर ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा है। इससे पहले भी बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कई नेता हैदराबाद को भाग्यनगर बोल चुके हैं। याद कीजिए 2020 में हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा था। तब बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। सुनिए क्या कहा था सीएम योगी ने। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया। उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहाँ पर यहाँ की जनता? तो ऐसे में सवाल ये कि क्या सच में हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर है? इसका इतिहास क्या है? अगर भाग्यनगर था तो इसका नाम हैदराबाद कैसे पड़ गया? आइए जानते हैं हैदराबाद नाम की कहानी भी। दरअसल 1816 में ब्रिटिश नागरिक एरोन ऑरा स्मिथ ने हैदराबाद का एक नक्शा तैयार किया था। उस नक्शे में बताया जाता है कि हैदराबाद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा था, उसके ठीक नीचे भाग्यनगर और गोलकुंडा भी लिखा गया था। यानी पहले इस शहर को हैदराबाद के साथ साथ गोलकुंडा और भाग्यनगर भी कहा जाता था। ये नक्शा नानी शेट्टी की किताब गोलकुंडा हैदराबाद और भाग्यनगर में भी प्रकाशित किया गया है। वैसे तो इतिहासकारों की हैदराबाद नाम को लेकर अलग अलग थ्योरी भी है। एक थ्योरी और भी सुनिए, और ये थ्योरी है प्रोफेसर संजय चौहान की। प्रोफेसर संजय चौहान कहते हैं, भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सनातन संस्कृति और सभ्यता से ही हम सभी आगे बढ़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के कई शहरों और स्थलों का नाम बाहर से आए मुस्लिम शासकों ने बदल दिया। ज्यादातर के पुराने नाम इतिहास से भी मिटाने की कोशिश की गई। भाग्यनगर भी इसी का हिस्सा है। भाग्यनगर का नाम कैसे पड़ा, इसको लेकर 3-4 अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। सबके अलग अलग दावे हैं। ये भी कहा जाता है कि हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर काफी प्रसिद्ध है और ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। चार मीनार से सटे इस मंदिर में लोगों की आस्था है, जिस वजह से कहा जाता है कि भाग्यनगर इसका नाम है। सिकंदराबाद के बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी भी दावा करते हैं। वो क्या दावा करते हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर का इतिहास चार मीनार से भी पुराना है। इसका निर्माण 1591 में शुरू हुआ था, इसलिए ये भाग्यनगर है। हैदराबाद का इतिहास और नाम बदलने को लेकर बीजेपी नेताओं की दलीलों के बीच सवाल जनता की भावनाओं से भी जुड़ा है। सवाल ये भी कि क्या आपको भी लगता है कि हैदराबाद का नाम बदलने का वक्त आ चुका है, या फिर ये महज राजनीतिक स्टंट है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।